जो हम लोग पढ़ेंगे, एल्केन के कुछ रासायनिक गुण और बचा है। एल्केन के रासायनिक गुण, पहला होता है भाप के साथ क्रिया, भाप के साथ क्रिया। तो भाप का मतलब होता है जल, भाप का मतलब होता है जल। तो भाप के साथ क्रिया की जब बात होगी तब इसके बारे में क्या बताएंगे। भाप का मतलब होता है जल से क्रिया कराना। अच्छा, एल्केन में आप मेथेन भी ले सकते हैं ना। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। एथेन का सूत्र होता है C2H6। ठीक है, तो अब हम लोग जो बातें करेंगे इसमें कैसे जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त करता है। जैसे मीथेन ले लो, CH4, देख लो मीथेन का सूत्र यही होता है CH4। इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, दलदली वाले स्थानों पर पाया जाता है। और इसकी क्रिया भाप के साथ कराओ। भाप का मतलब क्या होता है? जल। और निकिल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। तो देखो ये जो है ना इसके साथ मिल गया, ठीक है, तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपका बनता है हाइड्रोजन गैस 2H2। CO निकल गया, तो कितने हाइड्रोजन है? 6 नो, तो यहाँ 3 लिख देगा, 3H2। तो ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो जब भी नू। अच्छा, अभी तो मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके लाइफ में यूज आएगा। हम लोग यूज किए थे बहुत ज़्यादा इसका, कि जब मीथेन भाप के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो सब लोग बता सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा एक इसको लिख के तब रिएक्शन के लिखो, कि जब मीथेन भाप के साथ क्रिया करता है, भाप के साथ क्रिया करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है, तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड से कैंसर होता है, जरूर ध्यान रखना इसका। तो भाप के साथ क्रिया कराते हैं। अच्छा, आप तो मान लीजिए ये रहा आपका, चाहते तो आप ये भी ले सकते थे, याद करो CH3। इसका क्या नाम होगा? एथेन। इसी क्रिया जल के साथ कराओ, निकले की उपस्थिति में। तो बस काम ये होगा ना कि CO आपके बाहर निकल जाएगा। CO का हो जाएगा बाहर, प्लस दो, ध्यान से, CO बाहर। इसमें संतुलित कर दो, दो से मल्टीप्लाई मार दो, दो से मल्टीप्लाई मार दो, तो 2CO बन गया। देखो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब जितना हाइड्रोजन, 4 गए यहाँ पर है और 3 गए यहाँ पर, 4 × 3 = 7, 7 × 3 = 10, तो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन 2 बन गए। ये संतुलित करने का जब फिक्स हो चुका है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन बनेगा, तो चाहे किसी से भी क्रिया कराए, एथेन से कराइए, प्रोपेन से कराइए, वही बनेगा। तो इसे आपका होता है प्रोपेन, CH3 + 2H2। और 2H2 मतलब तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, क्योंकि 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन के साथ 3 गो रहेगा ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 3 गो आएगा। तो लिखा जाएगा 3CO प्लस हाइड्रोजन कितना? 3 × 6 = 6, 3 × 9 = 9, 9 × 2 = 11, 11 × 3 = 14, तो 7H2 आपका, 7H2, 7 गो हाइड्रोजन। नोट कर लो, तो एल्केन का रासायनिक गुण भाप के साथ क्रिया। आगे लिखा गया, जल्दी नोट कर लो। तो ताप अपघटन का मतलब होता है, ताप अपघटन का मतलब होता है ताप देकर इसको तुरेंगे। देखो ये सुनो,
लेकिन निम्न नहीं होता, उच्च क्वालिटी वाले होते हैं जिसमें 12 होंगे 10 होंगे, इस तरीके के एल्कोहल को चुनाव हम लोग करते हैं। और जब उसको गर्म करते हैं तो वह छोटे एल्केन या एल्कीन में टूट जाते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो कि 10 वाले ले लिए, कार्बन 10 है उसमें, तो हाइड्रोजन तो 22 हो जाएंगे ना, क्योंकि CnH2n+2 होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो एक छोटा एल्केन बनता है, अभी एक छोटा एल्कीन बनता है। यह हो सकता है कि छोटा एल्केन बनेगा फिर हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग कहते हैं ताप अपघटन। तो लिख जाना इसमें, लिख लो कि जब हम बड़े एल्केन को, जब बड़े एल्केन को गर्म करते हैं तो यह छोटे एल्केन या एल्कीन में टूट जाते हैं, जिसे ताप अपघटन कहते हैं। जिसे ताप अपघटन अपघटन लिखा। जब बड़े एल्केन को गर्म करते हैं तो वह छोटे एल्केन या एल्कीन में टूट जाते हैं, जिसे ताप अपघटन कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे आपके पास रहा C6H14, इसका नाम जानते हो? हेक्सेन होगा ना, 6 है। और हमने देखो इसमें 3 रिएक्शन दिखाया है। सब लोग ध्यान से सीखो, 773 केल्विन पर एक बार आप गर्म करेंगे तो C6H12+H2 बना है, और C4H8+C2H6 बना है, और एक है C3H6+C2H4+CH4। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये घटनाएं घटित हुई है। C6H14 773 केल्विन C6H12+CH2 रहेगा, C4H8+C2H6, C3H6 इतना बनेगा। आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा है, इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन, अंग्रेजी में लिखते हैं। चलो, और आपने 773 ताप अपघटन का मतलब होता है ना, ताप देने पर टूटना, तो टूटा है क्या नाम होगा? हेक्सीन होगा, क्योंकि ये डबल बांड है, क्योंकि इसका सूत्र पड़ेंगे CnH2n, तो 6 × 6 = 12, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्सीन। और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है क्या? ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन, ब्यूटेन है, लिखते चलो है क्या होगा? हाँ ये एथेन हो जाएगा, एथेन है क्या? प्रोपीन है क्या? एथेन है क्या? मेथेन होगा, समझे हो ना? माने देखो एल्कीन में और छोटा एल्केन में टूट रहा है, इसी को कहते हैं ताप अपघटन। समझे? बुझाई रहा खाई है। चलो देखो, ताप अपघटन माने बड़ा जो एल्केन होता है ना उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे एल्केन में। देखो अब आपके पास क्या आ रहा है बाबू? अब आपके पास है संरूपण, तो ध्यान दो सब लोग, संरूपण। एक बात है, खूब ध्यान से विचार मग्न तरीके से तने हम लोग इसको पढ़ लें पहले, कि संरूपण होता क्या है। रूप को प्रदर्शित करने को संरूपण कहते हैं। अच्छा आप याद करो, एल्केन में जो एल्केन होता है, याद है आपको, एल्केन में केवल सिंगल बांड होता है और सब सिग्मा कहलाते हैं। देखो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, किताब में देख लेना। एल्केन में कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध होता है, कार्बन कार्बन माने सी सी आबंध के अंतर नाभिकीय अक्ष के चारों ओर सिग्मा
आणविक कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वितरण सममित होता है। इस कारण सीसी एकल आबंध के चारों ओर मुक्त घूर्ण होता है। इस घूर्णन के कारण त्रिविमीय में अणुओं के विभिन्न त्रिविमीय विन्यास होते हैं, फलतः विभिन्न समय एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, संरूपणीय समयता या घूर्णी कहलाती है। अतः कार्बन कार्बन एकल आबंध के घूर्णन के कारण एल्केन में असंख्य संरूपण संभव है। यद्यपि यह ध्यान रहे कि कार्बन कार्बन एकल आबंध का घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं होता है, यह प्रतिकर्षण अन्योन क्रिया के कारण होता है। यह 120 किलो जूल प्रति मोल तक ऊर्जा द्वारा बाधित होता है। निकटवर्ती कार्बन परमाणु के मध्य इच्छण क्षीण बल को मरोड़ विकृति कहते हैं। एथेन के संरूपण, किसका संरूपण? एथेन का ही कहते हैं। देखो लो देखो नु एक सुहार से प्रक्षेप कहते हैं। संरूपण का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना, समझ रहे हो? संरूपण का मतलब प्रदर्शित करना। कहीं लिख लो तब आपको बता रहे हैं, चित्र से लिखो। दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो। अब पहला संरूपण लिखना तुम लोग, आंतरित संरूपण या आंतरित लिखे हो जी, सांतरित कर लो। सांतरित संरूपण अंग्रेजी में भी लिखोगे तो लिख लो, लिख लो एस्टेगार्ड, एस्टेगार्ड। लिखो, इस प्रकार के संरूपण में, इस प्रकार के संरूपण में लिख देते हैं यहां पर, इस प्रकार के संरूपण में हाइड्रोजन दूर दूर होते हैं। अभी तुमने जान जाओगे हाइड्रोजन दूर दूर होता है, सब लोग याद हो गया होगा, मेजबानी याद। हाइड्रोजन कहाँ होते हैं? कुकुर बन भाइयों में अगर मारे छुतरे पर एक लाठी भगवान। दूसरा लिखो ग्रस्ट, दूसरा लिख लेना है कौन? ग्रस्ट संरूपण, ग्रस्ट संरूपण। इसको अंग्रेजी में लिखा ना इक्लिप्ज, इक्लिप्ज। एक उल्टा लिखा जाए, लिखो इस प्रकार के संरूपण में, इस प्रकार के संरूपण में हाइड्रोजन पास पास होते हैं। हाइड्रोजन पास पास होते हैं। अच्छा कब पूछे के हो तो याद रहेगा तुम लोगों को। कहाँ के पूछी? पढ़े बहुत तेज है लेकिन। अच्छा चलो तब देखा कहते हैं दोनों हमने के सांतरित रूप और संरूपण बनाया हो। एथेन का संरूपण बना के दिखा रहे हैं, सीखो तो तुम लोग एथेन का तुम बना लोगे। देखो एथेन में ही पूछा जाता है हाइड्रोजन कहाँ रहेगा? पास रहेगा। जैसे मान लो अच्छा एथेन के सूत्र सबको याद है ना, C2H6। तो दो संरचना बना देते हैं, सोच के बताना है तुम लोग को कौन संरचना आपको ज्यादा पसंद है, कौन संरचना आपको ज्यादा पसंद है बताना है। क्या करना है? बताना है। चलो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यही होगा तीन है। तो इसको लिख सकते ना इस तरीके से CH3 सिंगल वन CH3, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, एक ये है हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बताओ कौन आपको पसंद है, कौन का होगा? लेके क्या कर जाए? ये होगा सांतरित संरूपण, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन दूर दूर है, इसमें हाइड्रोजन पास है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समझे हो?
बुझा कि नहीं एग्जाम्पल तो लिख लो, इसको लिख लो सांतरित। अब देखा एथेन में लिखा इतना, तो ये लिखा था कि एथेन के दो संरूपण होते हैं, पहला जो होता है जब हाइड्रोजन दूर दूर होता है तो सांतरित संरूपण करते हैं, और जब हाइड्रोजन पास पास होते हैं तो उसे ग्रस्त संरूपण करते हैं। लिख लो बना लोगे तो नहीं हो जाएगा तो? बस आइए, बहुत अच्छा लड़का है। कुछ तुम लोग पढ़े हो इसको घर पर? रजत बाबू क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ पढ़ाई किया? सहर्ष प्रक्षेप, देखो इसमें क्या होता है ना कि जब ग्रस्त प्रक्षेप हो और स्थानांतरित प्रक्षेप हो, और ग्रस्त में जो नीचे वाला हिस्सा है थोड़ा सा, जैसे अगर किताब हम लोग रखें तो ये बायां होता है ये दायां होता है, ये बायां होता है और ये क्या होता है दायां होता है, तो सहर्ष प्रक्षेप में अगर नीचे वाला हिस्सा किसके तरफ ढका हुआ हो, किसके तरफ ढका हुआ हो माने बाईं ओर झुका हुआ हो, माने बाईं ओर थोड़ा चला गया हो, और अगर शांतित वाला जो है ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा दाहिने ओर चला गया हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं सहर्ष प्रक्षेप। जिस समय पहले चित्र बना देते हैं, ये वाला हिस्सा यच यच यच, अच्छा इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? ग्रस्त कहेंगे लोग, क्यों कौन कैसे क्या कहेंगे ग्रस्त? सीखो सीखा सीखा तो सीखा। अब तुम लोग ग्रस्त सिखा दिए ना, कहेंगे सीखते सीखते मर जाओगे। हाई कहा शांतरित, आखिर हम मर जाएंगे तो पूरा पढ़िया खत्म हो जाएंगे। मरने के बाद कौन पूछता तो देखो तुम थोड़ा सा बता दो, एक का जला सहर्ष प्रक्षेप होता क्या है? देखो इसमें सुनो ध्यान से, जो ग्रस्त प्रक्षेप होता है इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं बाई और पास पास होते हैं, बाई ओर ठीक है, और इसमें जो शांतरित होता है तो इसमें एक बायां और हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है दाहिने ओर होता है, इसीलिए इसको शांतरित प्रक्षेप का सहर्ष प्रक्षेप कहते हैं। तो लिख लो तन लिखो कि जब ग्रस्त प्रक्षेप में दोनों हाइड्रोजन जब ग्रस्त प्रक्षेप में दोनों हाइड्रोजन बायां या बाईं ओर पास पास होते हैं तो इसे सहर्ष, क्या बात है बाईं ओर पास पास है ना, तो इसे सहर्ष प्रक्षेप कहते हैं, तथा जब शांतरित प्रक्षेप में एक हाइड्रोजन बाईं ओर दूसरा दाई ओर हो तो उसे शांतरित प्रक्षेप कहते हैं, शांतरित नहीं सहर्ष, तो उसे जोन भी हो गए प्रक्षेप।
मनवा से इतना अंतर बा कि ग्रस्त में बाई और होना चाहिए दोनों हाइड्रोजन, तो ग्रस्त के सहर्ष प्रक्षेप कहेंगे, और जब इधर बाई और होगा तो उसको हम लोग सांत्रित का सहर्ष प्रक्षेप कहेंगे। इसलिए इसको हम लोग एक दाई और हो तो उससे सहर्ष प्रक्षेप करते हैं। नहीं लिखा पाओ लिखा एक बाई और हाइड्रोजन एक दाई और हाइड्रोजन है तो उससे सहर्ष प्रक्षेप करते हैं। ठीक बा कालक राग न्यूनियम प्रक्षेप पढ़ाएंगे। कुछ आपको दे देते हैं आईपीएससी नाम लिख के लेकर आना एल्कि एकाल से एल्किन की शुरुआत की जाए। अब परसों क्या पढ़ेंगे बारह वाला पढ़ना है ना। कल लिख लो क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन आपको दे रहे हैं लिख के लेकर आना है। एल्किन का है ठीक बनो सी एच टू डबल वन सी एच डबल वन सिंगल वन सी एच डबल वन सी एच टू। दूसरा है सी एच टू सी डबल वन सी एच हो गया पी डबल वन सी पी डबल वन सी एच हाई सी सी एच टू सी एच टू सी एच क्या हुआ है सी एच सी एच सी एच ये थ्री रहेगा जी सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच बी आर सी डबल बॉन्ड सी एच टू लिखा जाएगा बताना पड़ेगा बता देते देखो इन्हें क्या करेगा काउंटिंग करके आल्क में आल्क मतलब अगर एक कार्बन में तो मेथ दूगो बात एथ तीन के बाद तो प्रोप चार के बाद तो ब्यूट पांच के बाद तो पेन तो कितने आल्क मतलब क्या होता है कार्बन कितने होंगे। ठीक बात चलो कितने कार्बन एक दो तीन चार काउंटिंग करो एक दो तीन चार चार है तो ब्यूट चार है तो क्या लिखोगे ब्यूट और ब्यूट 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 आयु पहला बार डबल बॉन्ड है आयु तीसरा बार डबल बॉन्ड वन काम करके थ्री डाई इन लिखना डाई इन तो समझ लो कहना लिखा गया एक बार समझाते हैं। पहले काउंटिंग कर लो कितने कार्बन है कितने हो रहे हैं चार चार के लिए ब्यूट लिख लो और देखो एक पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड है एक तीसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट लिख दो वन कम थ्री और डाई इन लिख देंगे। जैसे डबल ये बन सुनो समझो जैसे डबल ये बन डबल बॉन्ड इसीलिए डाई लिखोगे। अगर तीन बार जैसे भाई बा साला खोजल खोजल ये भाई एक दो तीन तो पहले काउंट इधर से करो एक दो तीन चार पाँच तो पाँच का दिखा लिखोगे पेंट पेंट है ना पेंट अटैच करके वन कामा टू कामा थ्री ट्राई ट्राई इन ट्राई क्यों लिख रहे क्योंकि तीन बार से और इन हाई लिखा इन्होंने पहले क्लोरो का के प्रोप लिख के वन लिख के इन लिखते हैं। ठीक बात चलो का भाई में 25 बजे नहीं।